मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़ अपनी जबान पर कायम रहा और बिल्ली को सोसाइटी के बाहर निकाल कर ही इसने दम लिया। इसलिए आप सबके सामने मैं इसे सॉरी और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भिड़े, अरे भाई थैंक यू ओके। वैसे पोपटलाल सॉरी और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी, क्या हम पड़ोसी है ना, और पड़ोसी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। नहीं 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 भिड़े, मैं तुमने जो काम किया है इसलिए तुझे दिल से थैंक यू बोलना तो बनता। देखो पोपटलाल, अगर तुम्हें थैंक यू कहना ही है ना तो सही मायने में थैंक यू का हकदार अब्दुल है, क्योंकि अब्दुल ने बिल्ली को भगाया। अरे वाह वाह अब्दुल, शाबाश। हाँ अब्दुल वाह, थैंक यू अब्दुल। भाई बेटे तेरा दिल बहुत बड़ा, युद्ध के मैदान में योद्धा लड़ते ही लेकिन युद्ध जीतने पर शाबाशी सेनापति को ही मिलती। तो तूने अब्दुल से कहा उसके बाद ही उसने बिल्ली को भगाया ना, इसलिए सत्कार तो तुम्हारा होना ही चाहिए। सही बात है भिड़े मास्टर, और अब्दुल ने अच्छा काम किया है। पप्पू जी को फिर से छींक आई। भिड़े बिल्ली कहीं यहीं कहीं तो नहीं है, 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 यहीं कहीं तो नहीं है। भिड़े तो झूठ तो नहीं बोल रहा है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा जेठालाल। अरे अच्छा अच्छे लोग अपनी खुर्ची बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। जेठालाल मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, मैं कुर्सी के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे झूठ तो मैंने बोला है पंपअप को बचाने के लिए। ओ भाई भिड़े तू सच बोल रहा है ना। हाँ अगर जेठालाल की बात सच निकली और मुझे बिल्ली सोसाइटी में दिखी तो मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, दुनिया हिला दूंगा तेरी। बाप रे गोली, भिड़े अंकल तो बुरे फंसे यार। अरे शांत हो जाओ भाई, सब लोग शांत हो जाओ। अरे मुझे ऐसे ही बिना बिल्ली के छींक नहीं आ सकती। अच्छा तो ये बिना बिल्ली वाली छींक थी। ओके 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 सॉरी सॉरी भिड़े सॉरी सॉरी। बक अब्दुल, मैं सबके सामने कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछ रहा हूँ, तुमने बिल्ली को वाकई में भगा दिया था ना? अरे हाँ के ना। हाँ हाँ मैंने बिल्ली को भगा दिया था। सुना पोपटलाल, अब्दुल ने बोला है कि उसने बिल्ली को भगा दिया, और अब्दुल सच बोल रहा है। वो सच बोल रहा है उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अरे भाई पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भिड़े और अब्दुल को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़ा काम किया, बिल्ली को भगा दिया और तुम उनके दुनिया हिलाने की बात कर रहे हो। अरे सॉरी सॉरी भिड़े, भाई सच में तेरा दिल से शुक्रिया। भिड़े भाई, अब्दुल भाई, बिल्ली के डर से मैं निच्चू नहीं आ रही थी, अब मैं बिंदास निच्चू आ सकती हूँ। आ जाइए आ जाइए, मतलब जब चाहिए आ जाइए। हाँ मैं भी थैंक यू भाई थैंक यू पप्पू जी। हाँ बबीता, अभी तुम भी बिना टेंशन के नीचे जा सकता है, बिल्ली रहता नहीं काटेगा। हाँ वाह भाई जबरदस्त काम किया है तुम दोनों ने, अब मैं फिर से लड़की वालों को सोसाइटी में बुला सकता हूँ, और अगर लड़की वाले मान गए और मेरी शादी हो गई ना तो उसकी वजह तुम बनोगी। चश्मे पोपटलाल, अगर ऐसा हुआ ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। थैंक यू बेटा। अरे नहीं नहीं थैंक यू तुम्हें कि तुमने सबके सामने मेरा आदर सत्कार किया। नहीं 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 भाई तुझे थैंक यू। नहीं नहीं
थैंक यू तो एक्चुअली मुझे तुम्हें कहना बनता है क्योंकि तुमने सबके सामने मुझे थैंक यू और सॉरी बोला। नहीं भिड़े, तारीफ का असली हकदार तुम हो। नहीं नहीं, थैंक यू के हकदार तुम हो भाई। नहीं भिड़े, तारीफ के असली हकदार तुम हो। तुम्हें तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, तुमने सबके सामने मुझे थैंक यू और सॉरी बोला, इसलिए थैंक यू। अभी तुम दोनों का रोमांस अगर खत्म हो गया हो तो हम सब अपने अपने घर में जाएं। बस एक मिनट, अभी एक आखिरी चीज बाकी है। भिड़े मास्टर यांचा, विजयासो, विजयासो, विजयासो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे ज्यादा कॉलर मत खींच, कॉलर हाथ में आ जाएगा। चलो चलो। आई, मैं थोड़ी देर के लिए क्लब हाउस जाके आती हूँ। हाँ भाई, चलो चलो, आओ भाई आओ। ओ, मैं जरा बाजार जाके आता हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, तुम्हारी वजह से आज पोपट वाले मेरा सत्कार किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वाह अब्दुल, वाह। अभी इतना आदर सत्कार हुआ है, पोपट भाई को सच पता चला तो मेरी दुनिया हिला देंगे। क्या सोच रहा है अब्दुल? बस यही कि आपने सत्कार बहुत अच्छा किया। रोशन, रोशन, आओ यहाँ। क्यों? तू सच्ची सच्ची बोल, तू झूठी झूठी बोल के पार्टी शार्टी का सामान लेने तो नहीं जा रहा ना बाबा? सामान घर पे है तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है? सुकिडू? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि तू खुद को देख मेरी पोली पार्सन, तू खुद एक नशा है, तेरी आंखों में नशा है, तो मुझे पार्टी शार्टी करके नशा करने की क्या जरूरत है जब मेरे घर में खुद एक नशा है। चाल चाल अबे। मैं बाजार जा रहा सी, तो मक्की दा आटा, सरसों दा साग, व्हाइट बटर लेने, और आते वक्त तेरे लिए तेरा फेवरेट पारसी मावा केक भी ले आऊंगा। अच्छे, तू शिकायत करती रहती है ना, मैं तेरे घर के कामों में मदद नहीं करता। आज मैं वेला सी तो मैंने सोचा बाजार जाके ताजी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ले आऊं। जाओ जा। ये किसी का सत्कार कैसा हो रहा है? ओ यारो, तो मैं घर का सामान लेने बाजार जा रहा सी, वो किसी को साथ चलना है? तू कब से इतना सुधर गया कि तू घर का सामान लेने बाजार जा रहा है? वाह। ओ यारो, आज संडे है, फंडे है, और पंजाब से जसमीत और गोल्डी आए, तो उनके साथ शाम को पार्टी शार्टी का प्रोग्राम भी है। तो और वो घर में दो बोतल कैरम की छुपा कर रखी है, तो इसलिए सुबह से घर के काम करके रोशन को खुश कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि तुम्हें पार्टी शार्टी करने की परमिशन मिल सके। ओए चलिया, ये भी कोई पूछने की गल है। रोशन, रोशन सुन, उड़की हो या सोड़े, उसे बोलो छू तू 2 किलो गाजर लेकर आ, मैं मस्त गाजर का हलवा बनाऊंगी। ओए रोशन डार्लिंग, तो तू कहे तो 2 किलो क्या, वो गाजर का पूरा खेत ले आऊं। ये लो किचनो। आई लव यू टू रोशन डार्लिंग। हाँ, लव यू लव यू लव यू, जावे। मेरी पोली पार्सल आज बहुत खुश लग रही है, लगता है पट्टी शट्टी की परमिशन मिल जाएगी। ये सोड़े, ये तो बहुत गलत कर रहा है भाई, तूने रोशन भाभी से झूठ बोला। मैं तो अपनी होने वाली पत्नी से कभी झूठ ना बोलूं। पोपटलाल तुम क्या जानो भाई, पहले शादी की कश्ती में सवार हो जाओ, फिर टिप्पणी करो इस चीज पे। ओ हाँ पप्पू, ओए शादी की नाव को स्मूथली चलाने के लिए ना कभी कभी चूट का चप्पू चलाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह सोड़ी, क्या बात है। ओ यारो, मैनू देरी हो रही है, मैं चलिया बाजार। चलो भाई, मैं भी घर निकलता हूँ। ओके ओके ओके। वैसे शादी की बात से याद है पोपटलाल, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर कल बिल्ली भाग गई होती ना तो तुम्हारा रिश्ता कल पक्का हो ही जाता। अरे अभी भी देर नहीं हुई है, अभी जाके कोशिश करता हूँ, फोन करके लड़की वालों को मनाता हूँ कि अब शगुन अपशगुन की कोई बात नहीं है, बिल्ली सोसाइटी छोड़ के भाग गए हैं। टप्पू से ना मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, अगर पोपट भाई को पंपम सोसाइटी में दिख गई तो जिस जगह पर सम्मान समारोह हुआ है वही पिटाई समारोह होगा मेरा और भिड़े भाई का। मेरे एक छोटे से झूठ की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, भिड़े भाई को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब्दुल भाई आप टेंशन मत लो, आपने हमारी पॉम-पॉम को बचाने के लिए झूठ बोला है। अब्दुल भाई, जो झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं होता। और वैसे भी अब्दुल भाई,
आपको पता है आज सिर्फ आप ही के वजह से हमारी पॉम पॉम अब भी हमारे साथ है। हाँ। देखो 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 वो आपको कितने क्यूटली थैंक यू बोल रही है। वो आपको बोल रही है अब्दुल भाई थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। वे यारो आज तो हम बच गए पर आगे की कब तक हम पॉम पॉम को ऐसे क्लब हाउस में छिपा के पालेंगे। देखो 24 घंटे तो हम इसके साथ नहीं रह सकते या इस पर नजर नहीं रख सकते कि जिस तरह से ये यहाँ वहाँ भाग रही है मैनू तो लगता है कि अपना झूठ ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाला। हाँ यार गोगी बिल्कुल सही कह रहे तू। पॉम्पॉम को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए और इसे छुपाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया हमारी हालत खराब हो गई है। टप्पू आज नहीं तो कल सबके सामने झूठ आ ही जाएगा सोसाइटी में सब कितना गुस्सा करेंगे। हाँ तो क्या करें सबको जाके सच बता दे। अरे टप्पू से ना एक पल कहते हो कि सपोर्ट करेंगे दूसरे पल खाई में ढकेलने की बात कर रहे हो। अगर सच बोल दिया तो मैं फंस जाऊंगा सब गुस्सा होंगे मुझ पर सोसाइटी में हमेशा हमेशा के लिए मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। अब्दुल भाई डोंट वरी ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा ना ही हम होने देंगे। हाँ। यार हम सच नहीं बोल सकते पॉम्पॉम को सोसाइटी में नहीं रख सकते गार्डन में नहीं रख सकते तो हम क्या करें क्या करें। जो भी करना है जल्दी कुछ सोच के करना पड़ेगा टप्पू। पॉम्पॉम आप टेंशन मत लो हम जो भी करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। चलो मैं दुकान जाता हूँ लेकिन आप लोग जो भी सोचोगे वो मुझे बता देना। थैंक यू अब्दुल भाई थैंक यू। यार पॉम्पॉम सेफ भी रहे और पकड़ी भी ना जाए उसके लिए हम क्या करें। जो भी करना है जल्दी सोचो कोई आइडिया आने से पहले नई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। हेलो बालाजी नमस्ते कैसी हैं आप। पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। जी पोपटलाल जी मैं ठीक हूँ बोलिए। वो आपसे एक बात करनी थी मतलब मेरे दिल की बात है। बहुत हिम्मत जुटा के बात कर रहा हूँ आप पहले पूरी बात सुन लीजिएगा फिर हाँ करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा लेकिन आपको जवाब अब भी देना पड़ेगा। क्या पोपटलाल जी मैं शादीशुदा हूँ तो आप मुझे ऐसे प्रपोज नहीं कर सकते। अरे मैंने आपको प्रपोज कब किया। अभी अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे दिल की बात करनी है। वो दिल की बात मतलब आपको कंफ्यूजन हो गया मतलब बात कुछ और है। सॉरी सॉरी पोपटलाल जी मैंने गलत समझ लिया। नहीं नहीं गलती आपकी नहीं है गलती मेरे कुंवारेपन की है लेकिन आप अपनी गलती को सुधार सकती है मेरी शादी करवा के। सर मैं एक अच्छा रिश्ता लाई तो थी आपके लिए लेकिन बिल्ली ने आपका पत्ता साफ कर दिया। अरे वो बिल्ली का अब कोई टेंशन नहीं है जिस बिल्ली ने मेरे और लड़की वालों के बीच में लकीर खींच दी थी वो बिल्ली हमारी सोसाइटी से जा चुकी है अब हमारी सोसाइटी बिल्ली मुक्त है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात अब लड़की वालों तक पहुँचा दो। जरा एक बार उन्हें फिर से फोन करके आप जरा बात कीजिए ना उन्हें मनाइए कि वो लोग एक बार और मुझे मिलने आ जाए अपनी तरफ से भी आप जोर लगाइएगा। नहीं सर वो लोग मिलने के लिए नहीं आएंगे। अरे तो मैं चला जाऊंगा वो लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ उन्हें मिलने चला जाऊंगा। नहीं सर वो लोग ऑलरेडी रिश्ता कैंसिल कर चुके हैं। अरे बालाजी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है एक आखिरी कोशिश तो बनती है। सर जाने दीजिए ना मुश्किल है नहीं मानेंगे वो लोग। तो मिलके मनाते ना आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए हम दोनों मिलके बात करते हैं। देखिए बहुत मुश्किल से बात शादी के इतने नजदीक तक पहुंची थी लेकिन प्लीज मना मत कीजिए। देखिए अपने सबसे पुराने और लॉयल कस्टमर के लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं। प्लीज एक कॉल की तो बात है प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है अब एक आखिरी कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन बिल्ली तो पक्का सोसाइटी से भाग गई है ना। अरे हाँ बिल्ली भाग गई है मेरे होने वाली बिल्ली की कसम। हाँ। मेरा मतलब है मेरी होने वाली बीवी की कसम। पक्का श्योर। अरे मैं इतने बरसों से कुंवारा हूँ होने वाली बीवी की झूठी कसम थोड़ी खाऊंगा। अच्छा ठीक है आप कॉल पे रहिए मैं उन्हें अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ। हाँ, थैंक यू बालाजी दिल से ट्राई करना देखिए ऐसा मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जी जी सर बिल्कुल। पापा आपका फोन बज रहा है। अननोन नंबर है जाने दो। अरे पापा मैरिज ब्यूरो वालों का फोन हो सकता है।
नए रिश्ते बताने के लिए फोन किया होगा, उठाइए ना। हेलो। हेलो सर, मैं सदा सुहागन राव मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ, माला। माला बेटा, क्या खबर? सर आपको एक गुड न्यूज देनी थी। आपको पोपटलाल जी याद है जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आए थे? वही जिसको देखने हम कल गए थे और बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। जी सर राइट। लेकिन अब वो बिल्ली सोसाइटी से बाहर भाग चुकी है। हम रिश्ते की बात वापस शुरू कर सकते हैं। पोपटलाल जी अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही है। नमस्ते ससुर जी, मेरा मतलब है होने वाले ससुर जी। ओ, अब हमारी सोसाइटी बिल्ली मुक्त हो गई है। आप बिंदास आ जाइए, हम आराम से बैठ के रिश्ते की बात कर लेंगे आज। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगा। मेरा मतलब है मैं किसी से कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आप आग बंद करके मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ सर, पोपटलाल जी जाने माने पत्रकार है और हमारे पुराने क्लाइंट भी है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, आते हैं हम लोग, मगर इस बार अगर दोबारा से बिल्ली हमें दिखाई दे गई ना तो याद रखना ये रिश्ता नहीं होगा। अरे कहाँ से दिखेगी, बिल्ली है ही नहीं सोसाइटी में। ठीक है, हम 11 बजे के आसपास पहुंचते हैं। तो आ जाइए आ जाइए, दोपहर की ट्रेन है हमारी, हम बातचीत करके जल्दी निकल जाएंगे। अरे आप आइए तो सही, आपको वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, आज हमारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। पोपटलाल जी उन्होंने फोन रख दिया है। अच्छा, तो उनको फोन करके बोल दो कि आज के ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दे, क्योंकि आज रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। जी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लगता है आज रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। थैंक यू अब्दुल, तुम लोगों ने सही वक्त पे बिल्ली को सोसाइटी के बाहर भगा दिया। पॉम्पॉम, अरे वाह, देखो तुम्हारी पॉम्पॉम को कितना टेंशन फ्री होकर खेल रही है ना। इसे पता है ना कि हम इसे कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए ऐसे मस्ती से खेल रही है। बस फ्रेंड्स, हमारी पॉम्पॉम को किसी की नजर ना लगे, वो हमेशा ऐसे ही हंसती और खेलती रहे। लेकिन किसी ने कुछ सोचा कि की करना है पॉम पॉम का जिससे वो पकड़ी ना जाए? फ्रेंड्स, वैसे एक आइडिया तो है। क्या? मैं क्या कहता हूँ, हमारे एक कॉलेज के चैट ग्रुप पे ना हम पॉम पॉम की सारी डिटेल्स रख देते हैं अडॉप्शन के लिए। देखो फ्रेंड्स, हमारी पॉम पॉम अगर अडॉप्ट हो गई ना तो उसको भी कोई प्यारा सा अच्छा सा परिवार मिल जाएगा जो हमारी तरह बिल्कुल उसे प्यार करेगा, उसे बाहर घुमाएगा, ऐसे एक जगह पे बंद नहीं रखे। गल सही है, जो भी इसे अडॉप्ट करेगा ना वो इसे अच्छे से संभाल के रखेगा। राइट। हाँ। पर अडॉप्शन के बाद तो पॉम-पॉम हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। गल भी। अरे ऐसा नहीं होगा, सुनो देख, अपना कोई ना कोई कॉलेज का फ्रेंड पॉम-पॉम को अडॉप्ट कर ही लेगा, तो हमें जब भी मन होगा हम चले जाएंगे पॉम-पॉम से मिलने के लिए। और वहाँ हमारी पॉम-पॉम अच्छे से रह पाएगी, अच्छे से खेल पाएगी, ऐसे एक जगह पे बंद नहीं रहेगी। वो बात भी है। बोलिए एक मिनट पकड़, मैं अभी के अभी हमारे चैट ग्रुप में पॉम-पॉम का फोटोज और सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। पॉम-पॉम, आज संडे है, सब घर पे ही है, तो आप प्लीज बाहर भाग मत जाना। हाँ नहीं नहीं गोगी, अब पॉम-पॉम कहीं नहीं जाएगी, हम हमारे पास ही रखेंगे। भागेगी भी नहीं, उसको मजा आ रहा है ना इधर। पॉम-पॉम रुको, अरे क्या कर रहा है गोगी? उठो उठो, पॉम-पॉम पकड़ी गई तो अब्दुल भाई फंस जाएंगे। अरे क्या ही मौसम बिल्कुल साफ, न बारिश हो रही है न धूप है, फिर भी मैं छाता लेके घूम रहा हूँ। आप कहेंगे जब मौसम साफ है तो छाता लेके क्यों घूम रहा हूँ? इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि गोकुलधाम का मौसम जो है वो खराब होने वाला है, गुस्से का ज्वालामुखी फटेगा पोपटलाल का, क्योंकि पोपटलाल ने लड़की वालों को दोबारा ये कह के बुला लिया है कि बिल्ली भाग गई। लेकिन बिल्ली भागी जरूर है, लेकिन सोसाइटी से बाहर नहीं भागी है, वो सिर्फ क्लब हाउस से भागी है। और अब कहीं इतिहास फिर से अपने को ना दोहरा दे, इतिहास दोहराता है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाले आए और बिल्ली दोबारा से उनका रास्ता काट ले। अगर ऐसा हो गया तो फिर हंगामा होगा, फिर युद्ध अवश्यम भावी है। एक तरफ होगा सोसाइटी का एक मेव कुंवारा पोपटलाल, दूसरी ओर एक मेव सेक्रेटरी
भिड़े, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े, और जब ये युद्ध होगा तो भाई कमाल का होगा। और टप्पू सेना जो है सब की जिम्मेदार है, वो क्या कर सकते है, सिर्फ देख ही सकती है, वो देखेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि युद्ध का बिगुल जब यहाँ बजेगा तब आपके घरों में हंसी का बिगुल बजेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए, मौसम खराब होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.